Mawlana Muhammad ये किताब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि लफ्ज बफ्ज कशफुल महजूब में जो लिखा है उसे आपके सामने पेश किया जाए मगर फिर भी हमसे कोई भूल हुई हो तो दाता साहब से माफी चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ कोई बात समझ में ना आ रही हो तो उसे आप महजूब से किताब से मिलाकर सही मानी पता कर सकते हैं ताकि आपको सही मालूम मिल सके हम सबको अल्लाह अपने हबीब वसल्लम सल सदके तोफ़ी दे कि हम सही इल्म हासिल करें और उस पर चलकर कर मार्फते इलाही हासिल करें अल्लाह ताला हम सब सबका हामीनासर और मदद करने वाला है बेशक वही ज़ात है जिसने हमें पैदा किया और वही हमें अपनी तरफ लौटाने वाला है मलामती तबका औज बिललाह मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लम मलामती तबका मशाइख तरीकत की एक जमात ने मलामत का तरीका पसंद फरमाया है क्योंकि मलामत में खलूस मोहब्बत की बहुत बड़ी तासीर और लज्ज़त कामिल पोशीदा है और अहले हक मखलूक की मलामत के लिए मखसूस हैं ख़ासकर बज़ुर्गान मिलत और रसूल खुदा सलिल्हसम के आप अहल हक के मुकतदा इमाम हैं आपसे कबल भी तमाम महबूबान ख़ुदा पर जब तक बुरहान हक नाजिल नहीं हुई और इनको वही से सरफराज नहीं किया गया था इस वक्त मखलू खुदा में वो नेक नाम और बुजुर्ग समझे जाते थे मगर जब इनके फिर के मुबारक पर दोस्ती की खलत रखी गई तो खलक ने इनके हक में जबान मलामत दराज कर दी चुनाचे किसी ने काहन किसी ने शायर किसी ने मजनून और किसी ने काजिब तक कहा नाजल खुरा अल्लाह तला ने अहले हक और की तारीफ़ में फरमाया फूना बफजल खुदा ये जुबान दराजों की मलामत से नहीं डरते वो जिसे चाहे अता फ़रमाए और अल्लाह काम वसी है अलमादा आयत चवन हक ताला का दस्तूर ऐसा ही है जिसने हक की बात मुंह से निकाली सारे जहान ने मलामत की क्योंकि ऐसे बंदे के इसरार मलामत में मशगूल होने के बायस मखफी रहते हैं ये हक ताला की गैरत है कि वो अपने दोस्तों को दूसरों के देखने से महफूज रखता है ताकि हर शख्स की आंख इसके दोस्त के हाल के जमाल पर ना पड़े और बंदे को इससे भी महफूज रखता है कि वो इसे देखने की कोशिश करे और वो ख़ुद भी अपना जमाल ना देख सके क्योंकि वो गरूर और तकबर की मुसीबत में मुबतला हो जाएगा इसी वजह से खल्क को इन पर मलामत के लिए मुकर फरमाया और नफ़ से लवामा मलामत करने वाली ख़सलत को इनके अंदर पिनहान कर दिया ताकि वो जो भी करे वो इस पर मलामत करता रहे अगर वो बदी करे तो इसे बदी पर मुलामत करे और अगर नेकी करे तो कोताही पर राह खुदा में यही वासिल कॉल है जिसमें कोई आफत और रह नहीं है और तरीकत में जो दुशवार तर है इसलिए कि बंदा अपने आप किसी गुरूर में ना फंस जाए अजब गरूर की बुनियाद अजबो गरूर दरअसल दो चीजों से पैदा होता है एक खुल्क की इज्ज़त अफजाई और इनकी मधो सतश से और दो यह कि अपने ही अफ़आल पर कोशिश होने से अव्वल सूरत में ये लोग चूँकि बंदे के अफ़ाल को पसंद करने लगते हैं और इस पर इसकी मद्हो सताइश करते हैं इसलिए इंसान में गरूर पैदा हो जाता है दूसरे इंसान को अपनी बुराइयों में भी हुस्न नज़र आता है इसलिए वो गरूर व खुद परस्ती में मुबतला हो जाता है अल्लाह अपने फजल से अपने दोस्तों पर इन दरवाज़ों को बंद कर देता है ताकि इनके मामला नेक हों फिर भी इसको अपनी ताकत वक़्वत के मुकाबला में हिच ही नजर आता है और वो इसे पसंद नहीं करता जिसकी बिना पर गुर से महफूज रहता है लिहाजा हर शख्स जो पसंदीदा हक होगा खुल्क उसे पसंद नहीं करेगी और जो अपने जिस्म को रियाजत मुजाहिदे के ज़रिया मुशक्कत में मशहूल रखेगा हक ताला तकलीफ़ नहीं देगा चुनाचे शैतान को बावजूद यह कि लोगों ने पसंद किया और फरिश्तों ने भी माना और इसने खुद भी अपने आप को पसंद किया मगर चूंकि हक ता ने इसे पसंद नहीं फरमाया इसलिए ये सब कुछ इसके लिए लानत का सबब बन गया हज़रत आदम अलम को ना फरिश्तों ने पसंद किया ना इबल इसमल ने और ना उन्होंने खुद ही अपने आप को पसंद किया मगर अल्लाह ताला ने इनको पसंद फरमाया फरिश्तों ने पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा अतज अलू फी हम सिदू फी हास्लरा आतीस ए खुदा क्या तू जमीन में ऐसे को खलीफा बनाता है जो इसमें फसाद करेगा और खून रेजी करेगा इबलीस मल ने कहा अना खैर मिन हो खल कतनी मिनन नारिनत तीन मैं आदम से बेहतर हूँ तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से हजरत आदम ने अपने बारे में कहा रबाना अन फूसाना अल आराब आयत ए हमारे रब हमने अपने ऊपर जुल्म किया लेकिन जब हक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पसंद फरमाया तो इनके हक में फरमाया फनासिया वलम नजिद लाहू अजमन ताहा एक सौ पंद्रह तो इनसे भूल हो गई हमने इनकी तरफ से इरादतन फरमानी ना, ना पाई इस तरह हजरत आदम को खल की नापसंदीदगी का सम्र खुदा की रहमत की शक्ल में मिल गया ताकि कायनात ही की मखलूक जान ले कि हमारा मकबूल खलक का महजूर होता है और जो खल का मकबूल हो वो हमारा महजूर होता है और यकीनी तौर पर सबको पता चल जाए कि खुदा के दोस्तों की गजा ल की मलामत होती है क्योंकि इसमें कबूलियत के आसार हैं अलिया अल्लाह का मज़हब है कि मलामत ही क़ुरब अख्तसास की निशानी है जिस तरह लोग कबूल खलाएक से खुश होते हैं इसी तरह वो मलामत से भी खुश रहते हैं हदीस कुत्सी है कि रसूल सल्हु वसम ने वास्तः हज़रत जब्रैल सलाम अल्लाह तला का अरशाद नक़ल फरमाया के अलियाई तहती कबाइला गैर इला ओलियाई मेरे ओलिया मेरी रहमत की चादर में होते हैं जिन्हें मेरे साथ मेरे ओलिया ही पहचानते हैं मलामत की किस्में मलामत की तीन किस्में हैं एक ये कि वो सीधा चले दूसरा ये कि वो कसत करे तीसरा ये कि वो तर्क करे पहले किस्म की सूरत यह है कि एक शख्स काम करता है और अमूरे दिनिया में कामिल एहतियात बरतता है और मामला में मराआत से काम लेता है मगर खल्क फिर भी इस पर मलामत करती है क्योंकि लोगों की ये आदत आम है मगर वो शख्स किसी की परवाह नहीं करता दूसरे ये कि कोई शख्स लोगों में साहब इज्जत और शरफ़ होने के साथ इनमें मशहूर भी हुआ और इसका दिल इज्ज़त की तरफ मायल भी हुआ इसके बावजूद वो ये चाहे कि इनसे जुदा होकर याद इलाही में महव हो जाए और कसदन ऐसी राह इख्तियार करे जिससे मखलूक इस पर मलामत करे और ऐसे अमल से शरीयत में भी ख़लल ना वाक़ हो मगर लोग इससे नफ़रत करने लगें और इससे मुतनफ़िर होकर जुदा हो जाए और तीसरी किस्म ये है कि दिल में तो कुफर जलालत से तभी नफ़रत भरी हो बज़ाहिर शरीत की मुताबित ना करे और ख्याल कि करेंतलाही तरीका पर ऐसा कर रहा हूं और ये मलामत का तरीका इसकी आदत बन जाए इसके बावजूद वो दीन में मजबूत और रास्त रो हो लेकिन जाहिर तौर पर बर्ज मलामत नफा को रया के तौर तरीकत पर दीन के खिलाफ वर्जी करे और मखलूक की मलामत से बेखौफ हो वो हर हाल में अपने काम से काम रखे ख्वा लोग इसे जिस नाम से चाहें पुकारें हित हज़रत शेख अबू ताहिर हाकी रहमत एक दिन गधे पर सवार बाजार से गुजर रहे थे एक मुरीद लगाम थामे हुए था किसी ने पुकारा देखो ये पीर जंदीक आ रहा है जब मुरीद ने यह बात सुनी तो इसकी इरादतो गैरत ने जोश मारा और इसे मारने के लिए दौड़ा बाजार वाले जोश में आके आई हजरत शेख ने मुरीद को आवाज़ दी और फरमाया अगर तुमने खामोशी इख्तियार की तो एक नसीहत आमोज चीज़ दिखाऊँगा ताकि तुम इस सख्ती से बाज रहो मुरीद खामोश हो गया जब क्याम गाह पर वापस आए तो मुरीद से फरमाया फलां संदूक उठा लाओ बुलाया इसमें बकसरत खतूत थे जिनको लोगों ने शेख हजरत के नाम लिखे थे उन्होंने इनको निकाला और मुरीद के आगे रख फरमाया पढ़ो क्या लिखा हुआ है जिन लोगों ने खतूत भेजे थे उन्होंने इनमें हर नामा पुरकाब में किसी ने शेख उम किसी ने जकी किसी ने शेख जहाद किसी ने शेख उहरमैन वगैरह लिखा था शेख ने फरमाया ये सब अलकाब खिताब हैं ये मेरा नाम नहीं हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ हर शख्स ने अपने एतक़ाद के बमौजब मुझे, मुझे मुखातब किया है अगर इस बेचारे ने अपने एतक़ाद के बमौजब कोई बात कह दी और कोई अलकाब दिए तो बिगड़ने या नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं इस तरह अगर मलामत में पश्दन कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए और इज़्ज़त मंजलत और इस जाहो हशमत को छोड़ने का इरादा करे जिसके वो लायक है तो इसकी सूरत यह है कि हिकायत एक दिन अमीरुल अमीरिन सयदना उस्मान बिन अफान रज़ीलाह खजूरों के बाग़ से हाल में तशरीफ ला रहे थे के लकड़ियों का गठा आपके सर मुबारक पर रखा हुआ था हालांकि आप चार सौ गुलाम रखते थे किसी ने अर्ज किया ए अमीर उल्मनिन ये क्या हाल है आपने फरमाया फरमायादान अजरब नफ़सी मैंने कहा अपने नफ्स का तजुबा करूं अगर ये काम मेरे गुलाम भी कर सकते हैं मगर मैंने चाहा कि अपने नफ्स की आज़माइश करूं ताकि लोगों में जो रुतबा है इसकी वजह से ये नफ्स किसी काम से मुझे बाज ना रखे ये असर सहाब इस्बात मलामत में वाज़े और शरी है इस मानी में एक और वाक़ है जो हज़रत इमाम आज़म सयदना अबू हनीफ़ा रज़ी से मंसूब है इसका तस्करा इमाम आज़म के बयान में आगे आएगा ताला। हज़रत अबू यजीद बस्तामी रहमत अलह का वाक़ है कि वो हज करके वापस आ रहे थे किसी शहर में गुलगला बुलंद हुआ कि हज़रत बायजीद आ रहे हैं इस शहर के तमाम लोग इस्तकबाल के लिए निकल कर आए के आजाजो इकराम के साथ अपने शहर में लाए हजरत बजीद ने जब लोगों की खातर मदारत का मुलाहजा फरमाया तो इनका दिल भी मशहूल हो गया वो याद हक से बाज रहने में परेशान खातिर हो गए जब बाजार में आए तो कुबा की आस्तीन से एक रोटी निकाल कर वही खाने लगे ये देख कर तमाम लोग इनसे बरगश्ता हो गए और इन्हें तनहा छोड़कर चले गए चूंकि ये वाक मुबारक में हुआ था और खुद चूंकि मुसाफिर थे और मुसाफिर को रोजा ना रखने की इजाजत है इस वक्त अपने हमराही मुरीद ने फरमाया देखा शरीय के एक मसला में लोगों ने मुझे कार बंद ना देखा तो सब छोड़कर चले गए सैयदना दाता गंज बख्श रहमतल्ला फरमाते हैं कि इस जमाना में मलामत की रवश इख्तियार करने के लिए चाहे मलामत की जाए तो दो रकत नफल शुरू करके इसे खूब दूल दे दे या पूरे दिन की मुकम्मल पैरवी शुरू कर दे ताकि तमाम लोग इसे रयाकार और मुनाफिक कहने लगे लेकिन जो तर्क के तरीका पर मलामत इख्तियार करे और कोई काम खिलाफत शरीयत करके ये कहे कि यह अमल मैंने हसूल मलामत के लिए किया तो ये खुली हुई जलालत गुमराही है ज़ाहरियाफत और सच्ची हवस परस्ती है क्योंकि आज कल ऐसे लोग बकसरत हैं जो रद्द खलक़ की सूरत में कबूल खलक़ के खाशगार हैं इसलिए इसको ज़रूरत है कि वो पहले खलक में मकबूल हों फिर अपने किसी फ़ेल से इसकी नफ़ी कर दें ताकि लोग इन्हें मरदूद करार दें नाम शख्स के लिए रद्द करने का कसत करना कबूलियत के लिए एक बहाना होता है हजरत मुसन्फ रहमत फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे मुदैया बातल की मजलिस में बैठने का इतफ़ाक़ हुआ इनमें से एक आदमी से कोई नाजेबा हरकत सरजद हो गई मगर इसने ये उज्र किया कि मेरा यह अमल मलामत के लिए था इस पर किसी ने कहा ये उज़रो बहाना बेहूदा है मैंने इसे देखा कि गैज़ो गज़ब से इसका सांस फूल गया है तब मैंने इसे कहा कि ऐ शख्स अगर मलामत से तेरा दावा दरुस्त था तो इस आदमी के ऐतराज पर चीं बजी होना क्या मानी ये तो तेरे मज़हब को मजबूत करता है जब वो तेरे साथ तेरी राह में मुफिकत करता है तो तेरा इससे झगड़ा ही क्या तुझे क्यों गुस्सा आता है और जो शख्स अमर हक की दावत दे इसके लिए दलीलो हजत दरकार है और वो दलील रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत है जब मैं जाहिर में तुझे फ़राज का तारीख देखता हूँ हालांकि तू लोगों को इसकी तरफ बुलाना चाहता है तो तेरा ये अमल तुझे इस्लाम के दायरे से बाहर कर देता है लतफ दर मलामत वाज रहना चाहिए कि तरीकत में मलामती मज़हब को शेख ज़माना हज़रत अबू हमदून हमदान रहमत ने फैलाया है मलामत के सिलसिले में इनसे बकसरत लतीफ़े मंसूब हैं चुनाचे इनका एक कौल ये है कि अलमलामत तरक असलामत सलामती से किनारा कशी इख्तियार करने वाले का नाम मलामत है जब कोई शख्स कसदन सलामती के तर्क का दावा करता और बलाओं में खुद को मुबतला करके ऐशो राहत और खुश जायका चीज़ों को छूता है तो इसकी गर्ज ये होती है कि जलालत का जहूर हो और इसकी उम्मीद बर आए और लोग इसकी आदत से बेजार होकर इससे दूर हो जाए और इसकी तबीयत लोगों की मोहब्बत से खाली हो जाए इस हाल में जिस क़दर वो खुद को घुलाएगा इतना ही वह हक़ से वासिल होगा और जिस सलामती की तरफ लोग रगबत करते और इसकी तरफ मायल होते हैं ये इस सलामती से इतना ही नफरत बेजारी करता है इस तरह एक दूसरे के अजायम में तजादो तकबुल पैदा हो जाता है और वो अपनी में कामयाब हो जाता है अहमद बिन फातिक हुसैन बिन मंसूर रहम्ल से रिवायत करते हैं कि किसी ने इनसे पूछा सूफी कौन है उन्होंने फरमाया वजदान यानी वो लोग हैं जिन्होंने जारी ताला को पा लिया नीज़ हज़रत अबू हमदून अलैह से किसी ने दरियात किया तो आपने यह फरमाया कि रास्ता आम लोगों के लिए बहुत दुश्वार और तंग है लेकिन इतना बताए देता हूँ कि मर्ज़ियों की उम्मीद और कदरियों का खौफ मलामतियों की सिफ्त है याद रखना चाहिए कि मलामतियों की तबीयत अल्लाह ताला की चीज़ से इतनी नफरत नहीं करती जितनी लोगों में इज्ज़त और मंजलत पाने से इन्हें नफ़रत होती है ये इन लोगों की खसलत है कि वो लोगों की तारीफों तोसीफ़ से बहुत ज़्यादा खुश होता है और फूला नहीं समाता इसी बिना पर कुरब इलाही से दूर तर ही होता जाता है खौफ खुदा रखने वाला शख्स हमेशा यही कोशिश करेगा कि खतरे की जगह से दूर रहे क्योंकि इसमें इसके लिए दो ख़तरे लाक होते हैं एक ये कि वो हक के ताला से हजाब में न आ जाए दूसरा ये कि वो ऐसा फ़ेल करने से बचे जिससे लोग गुनागार हों और इस पर तानो तशनी करने लगें इसका ये मकसूद नहीं होता कि इनमें इज्जत पाने से राहत महसूस करें और ना ये कि मलामत कराने से इन्हें गुनागार बनाएं इसलिए मलामती को सजावार है कि पहले दुनियावी झगड़ों और लोगों की अखरवी इलाकों से खुद को जुदा करे इसके बाद लोग इसे कुछ भी कहें दिल की निजात के लिए ऐसा फेल करे जो शरीयत में ना गुनाह कबीरा हो ना सगीरा ताकि लोग इससे बर्गश्तः होकर इसे छोड़ दें यहां तक एहतियात बरते के मामला में इसका खौफ कदरियों के खौफ की मानंद हो और मामला कनिंदगान से ऐसी उम्मीद रखे जैसे मर्जिया उम्मीद रखते हैं हकीकत में मलामत से बेहतर किसी चीज़ से और दोस्ती ना हो इसलिए के दोस्त की मलामत का दोस्त के दिल पर असर ना होगा और दोस्त का गुजर दोस्त की गली ही में होगा और दोस्त के दिल में अखियार का खतरा ना होगा जब ऐसी हालत हो जाएगी तो अपनी ख्वाहिश में मलामत की सबसे बढ़कर लज्जत पाएंगे इसलिए कि मलामत आशिकों का बाग महबूबों की ताज की मुश्ताकों की राहत और मुरीदों की खुशी का नाम है ये लोग दिल की सलामती की खातिर जिनों अंश का हदफ बनना पसंद करते हैं और कोई मखलूक खा व मकरबों में से हो या करूबियों में से या रूहानियों में से इनके दर्जा को नहीं पहुंच सकती गुजशत उम्मतों के जहाद और इबाद और सालिकान और तालिबान हक में से भी कोई इनके रुतबा तक नहीं पहुँचा बजुज इस उम्मत के इन हजरात के जो तरीक़त के सालिक हैं और दिल को मुनकता कर चुके हैं सैदना दाता गंजब्श्श रहमतुल्ल फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक मलामत की ख्वाहिश एन यार है और रया कारी एन नफाक है इसलिए कि रया कसदन ऐसी राह पर चलता है जिससे वो मखलूक में मकबूल हो और मलामती भी कसदन ऐसी रवश इख्तियार करता है जिससे लोग इससे नफरत करें ये दोनों तबके खल्क ही में सरगर्दान रहते हैं इनसे गुजरने की इन्हें राह ही नहीं मिलती एक इस राह पर हो लिया दूसरा दूसरे रास्ते पर हालांकि दरवेश के दिल में मख़लूक़ात के गुज़र की गुंजाइश कहाँ जहाँ दिल के आयना से ख़ल की तस्वीर महव हो चुकी हो तो वो दोनों रास्तों से जुदा हो जाता है यानी ना रयाकारी रहती है ना नफाक का ख़तरा और वो किसी चीज़ में गिरफ़्तार नहीं रहता एक दिन मावरा अल नहर में एक मलामती से मुलाक़ात हुई जब वो खुश हुआ तो इसी लम्हा मैंने इससे पूछा ए भाई इन अफआले बद से तेरी क्या मुराद है इसने जवाब दिया लोगों से गलू खुलासी चूँकि मैंने दिल में ख्याल किया कि ये मखलूक तो बहुत है और तेरी उम्र तो थोड़ी है इन सब से अपना पीछा छुड़वाना दुश्वार है अगर तू खलकत से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है तो इन सब को छोड़ दे ताकि इन सब की मसरूफियतों से खुद को महफूज रख सके एक तबका ऐसा भी है जो खलकत में मशगूल होते हुए भी समझता है कि लोग खुद ही इनकी तरफ मतवज हैं और कोई तुझको नहीं देखता अब तू खुद अपने आप को मत देख तेरे हाल पर मुसीबत तेरी अपनी ही नज़र से है तो तुझे गैर से क्या सरोकार अगर किसी को परहेज से शिफा हासिल हो जाए तो मदावा गज़ाई हासिल करना मरदानगी नहीं है एक ऐसा तबका भी है जो रियाजत के लिए नफ्स को मलामत करता है ताकि खलकत में रसवाई या फटे कपड़ों में होने की जिल्लत से इसका नफ्स अदब सीखे इससे वो दाद के ख्वाहिशमंद होते हैं क्योंकि इससे वो बहुत खुश होते हैं जिनमें नफ्स की ख्वारी और रसवाई पाए हज़रत इब्राहिम ऊधम अलह से किसी ने दरियात किया कि कभी आपने अपने मकसद में कामयाबी देखी है उन्होंने फरमाया हाँ दो मरतबा एक इस वक्त जब मैं कश्ती में सवार था और किसी ने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मैंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और बाल भी बढ़ गए थे ऐसी हालत थी कि कश्ती के तमाम सवार मेरा मजाक उड़ा रहे थे इनमें से एक मशरा इतना जरी था कि वो मेरे पास आकर सर के बाल नोचने लगा और मेरा मजाक उड़ाने लगा इस वक्त मैंने अपनी मुराद पाई और इस खराब लिबास और शिकस्ता हाली में मुसरत महसूस हुई यहाँ तक कि मेरी ये मुसरत बाई सबब इंतहा को पहुंची कि वो मस्करा उठा और इसने मुझ पर पेशाब कर दिया और दूसरी मरतबा इस वक्त जबकि मैं एक गाँव में था और वहाँ शदीद बारिश हुई सर्दी का मौसम था गदड़ी भीग गई और ठंडक ने बेहाल कर दिया मैंने मस्जिद की तरफ रुख किया लोगों ने वहां ठहरने नहीं दिया दूसरी मस्जिद की तरफ गया वहां भी अमान ना मिली फिर तीसरी मस्जिद की तरफ गया वहां भी यही सलूक हुआ सर्दी मेरी कुत बर्दाश्त से बाहर हो गई आखिरकार मैं हमाम की भट्टी के आगे आया और अपने दामन को आग पर फैला दिया इसके धुएं से मेरे कपड़े और चेहरा सया हो गया इस रात भी मैं अपनी मुराद को पहुँचा सैदना दाता गंज बख्श रहमतुल्ला फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे भी एक मुश्किल दरपेश आई मैंने इस मुश्किल से खुलासे पाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका इससे कबल भी मुझ पर ऐसी ही मुश्किल पड़ी थी तो मैंने हज़रत शेख बाद अलह के मज़ार पर हाज़री दी थी और मेरी वह मुश्किल आसान हो गई थी इस मरतबा भी मैंने इरादा किया कि वहाँ हाजिरी दूँ बिलाकर तीन माह तक मज़ार मुबारक पर चिल्ला कशी की ताकि मेरी ये मुश्किल हल हो जाए हर रोज तीन मरतबा गजल और तीस मरतबा वज़ू करता इस उम्मीद पर कि मुश्किल आसान हो मगर परेशानी दूर ना हुई तो खुरासान के सफर का इरादा किया इस विलायत में एक रात एक गांव में पहुंचा वहां एक खानका थी जिसमें सूफियों की एक जमात फरोकश थी मेरे जिसम पर खुरदरी और सख्त किस्म की गदड़ी थी मुसाफिरों की मानंद मेरे साथ कुछ सामान न था सिर्फ एक लाठी और लोटा था इस जमात ने मुझे हकारत की नज़र से देखा और किसी ने मुझे ना पहचाना वो अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक बाहम गुफ्तगु करते और कहते कि ये हम में से नहीं है और ये दुरुस्त भी था कि मैं इनमें से नहीं था लेकिन मुझे चूंकि वहां रात गुजारनी जरूरी थी गुंजाइश न होने के बावजूद मैं ठहर गया और उन्होंने मुझे दरीचा में बिठा दिया और वो लोग इससे ऊंची छत पर पर चले गए मैं जमीन पर रहा उन्होंने मेरे आगे एक सूखी और पफूंदी लगी हुई रोटी डाल दी मैं इन खुशबुओं को सूंघ रहा था वो लोग खुद खा रहे थे वो लोग मुझ पर बराबर आवाजें कस रहे थे जब वो खाने से फारक हुए तो खरबूजे खाने लगे और दिल लगी से इसके छिलके मेरे सर पर फेंक कर मेरी तहकीरो तोहिन करते रहे और मैं अपने दिल में कह रहा था कि खुदा वंदा अगर मैं तेरे महबूबों का लिबास पहनने वालों में से ना होता तो मैं इन लोगों से किनारा कश हो जाता फिर जितनी भी मुझ पर इनकी तानो तशनी ज्यादा होती रही मेरा दिल मसरूर होता गया यहाँ तक कि इस वक्त का बोझ उठाने से मेरी मुश्किल हल हो गई इस वक्त मुझ पर यह हकीकत मुनकशफ हुई के मशाइ कराम जाहिल लोगों को अपने साथ क्यों गवारा करते हैं और क्यों इनकी सख्तियाँ झेलते हैं ये हैं कामिल तहकीक के साथ मलामत के अहकाम वबिल्ला हिल तोफ़ीक